हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज आपको मैं लेके जाने वाला हूँ थाईलैंड में, और वहाँ पे ऐसे ऐसे चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि आपके होश उड़ने वाले। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो का मजा लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। गेट से मैंने एंट्री की कर ली अंदर, और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ। और अब मैं क्या ही बताऊँ बहुत ज़्यादा मैं डर गया हूँ कि पहले कभी ट्रैवल नहीं किया, मैं अकेला कहीं बाहर नहीं गया था और फर्स्ट टाइम मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर, तो मेरे सफ़र में बने रहेगा और मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करते रहूँगा। और मुझे अभी छोड़ने के लिए मेरी माँ और संपदा मेरे साथ आई थी। मैं अभी जस्ट अंदर आया और मुझे अभी पता भी नहीं है कि आगे आगे क्या क्या करना है। मैं अभी सब किसी को पूछ के अंदर एंट्री कर रहा हूँ और पूछ रहा हूँ सबको कि काउंटर, ये काउंटर कहाँ पे, वो काउंटर कहाँ पे है। तो चलिए मेरे साथ आप भी एक्सपीरियंस कर लीजिए कि फर्स्ट टाइम ट्रैवल करके कैसा लगता है। मैं चेक इन करने के लिए आ गया हूँ और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन है। चेक इन करके हो गया, बोर्डिंग पास मिल गया है और खुशी आसमान छू रही है। अब मैं जा रहा हूँ सिक्योरिटी चेक में। इमिग्रेशन हो गया है, थप्पा बहुत ही इजीली लगा, कुछ पूछा नहीं, सिर्फ पूछा कि कहाँ पे जा रहा है और चांगमाई कहाँ पे आता है। तो मैंने बोला कि थाईलैंड में आता है और बोला कि थप्पा हो गया और फिर मैं अंदर आ गया। अब मुझे लगी थी भूख, अभी बज रहे हैं 9 o'clock और यहाँ पे आके मुझे भूख लग रही थी, तो मैं यहाँ पे अब बर्गर खा रहा हूँ। अभी यहाँ पे आज के दिन सब कुछ जायज़ है, अगले डेज में मैं ये सब नहीं खाता हूँ। अभी ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं सब कुछ खाऊँगा और ध्यान रखूँगा मेरे डाइट का। अब देखते हैं डाइट कितना मेरा मेंटेन रहता है। अब ये खा के फिर आगे जाना है, और फ्लाइट में भी मेरा मील है तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ मंगाया नहीं है। अभी मेरा बोर्डिंग का टाइम हो गया है, 11 बज गए हैं। अब मैं जा रहा हूँ बोर्डिंग करने के लिए और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई है, क्योंकि मैं यूजुअली क्या करता हूँ, 10-10:30 बजे तक बेड पे आता हूँ और 11 बजे तक सो जाता हूँ। मैं ढेर हो जाता हूँ, मैं गहरी नींद में रहता हूँ 11 बजे के बाद। तो अभी मेरा टाइम हो गया है और मैं नींद में हूँ थोड़ा थोड़ा, मेरे आगे देखो। तो चलिए अभी बोर्डिंग की तैयारी चालू। छः बज के 10 मिनट हो गए और मैं अभी बैंकॉक के एयरपोर्ट पे हूँ, और मेरा इमिग्रेशन हो गया बहुत अच्छे से और वीज़ा भी लग गया, कुछ नहीं पूछा, एकदम स्मूथ मूवमेंट था। और मुझे अब थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा है कि मैंने एक्सपीरियंस कर लिया कि कैसे कैसे करना है आगे। मेरी आँखें ऐसी दिख रही है क्योंकि मैं रात भर सोया नहीं हूँ। और अब यहाँ पर वेट करूँगा, 6:10 हो गए हैं, मुझे लगता है आधे घंटे के बाद यहाँ से चालू होगा बोर्डिंग। यहाँ पे मैं उधर गया हूँ चांगमाई में, अब यहाँ से बैग लूँगा जो कि मुंबई एयरपोर्ट पे जमा किया था। ये देख सकते हो आप ब्यूटीफुल नज़ारा एयरपोर्ट का। चांगमाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर है थाईलैंड में। खुद को ही स्वागत करना पड़ रहा है, तो चांगमाई में मेरा स्वागत है। चेक, हिज नेम इज चेक, और ये आज हमारे मेरे ड्राइवर है, मुझे एयरपोर्ट से पिक करने के लिए आए, और काफी अच्छे इंसान लगे। उन्होंने मुझे बहुत सारी आइडिया दी कि यहाँ पे नियर बाय आप कैसे घूमना चाहिए आपको, और अगर बाहर जाना है तो वो भी कैसे घूमना चाहिए। उन्होंने बताया कि यहाँ पे अगर नियर बाय आप घूम रहे हो तो आपको कैब करने की जरूरत नहीं, आप चल के भी वो अट्रैक्शंस कंप्लीट कर सकते हो, और अगर बाहर जाना है तो उन्होंने मुझे एक अच्छा पैकेज बताया है, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा जल्दी। कल तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था
लेकिन आज नर्वस नहीं हूँ। मुझे डर लग रहा था, मैंने कल मेडिसिन भी लिया था क्योंकि मुझे एनजाइटी हो रही थी। और फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल, वो भी सोलो और एक लेवर फ्लाइट के साथ, तो मैंने दो फ्लाइट चेंज किए। ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस मेरे लिए रहने वाला है। होटल दिखाता हूँ, ये जो पीछे दिख रहा है ये मेरा होटल है। एक्चुअली मैं बहुत जल्दी आ गया था यहाँ पे, 9 बजे ही मैं यहाँ पे पहुँच गया। मेरा चेक इन है 2 बजे, तो 2 बजे तक मुझे रुकना पड़ेगा। मैंने रिक्वेस्ट की उन लोग को, लेकिन वो लोग ने बोला कि थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा, अगर जैसे ही रूम खाली होता है हम लोग आपको दे देंगे। तो तब तक पेट में मेरे चूहे दौड़ना चालू हो गए, मैं खाने के बिना रह नहीं सकता। फ्लाइट में भी खाना मिला था, लेकिन ब्रेकफास्ट वो एक ही ब्रेड था और उसके अंदर चिकन था, नॉर्मली था, उससे कुछ हुआ नहीं मुझे। तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे नियर बाय, देखता हूँ लोकेशन में क्या मैं खा सकता हूँ, मेरे लायक क्या है, नहीं तो पता चला कि उसमें कुछ उन लोगों ने दूसरा ही कुछ डाल के दे दिया मीट। तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही खाने वाला हूँ, तो चलो देखता हूँ, सर्च करता हूँ। भूख बहुत जोर से लगी है, और यहाँ पर एक नियर बाई एक अच्छा रेस्टोरेंट दिखा मुझे। मुझे बाहर का कुछ खाना था, बहुत लोगों ने तारीफ़ की थी कि यहाँ का फ्राइड राइस ज़रूर खाना, तो मैं यहाँ पे आया हूँ। नियर बाई है, उसका नाम पता नहीं क्या लिखा है, कुछ अलग ही लैंग्वेज है, समझ में नहीं आ रहा। तो वहाँ पे अभी मैंने फ्राइड राइस का ऑर्डर दिया है, अब देखता हूँ टेस्ट कैसा है और आपको पता चल। तो आ गया है अब खा। रात को मुझे ज़रा भी नींद नहीं आई थी फ्लाइट में, क्योंकि वो सीट तो छोटी थी और वो आवाज़ की वजह से नींद नहीं आई, और फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था तो वो भी एक रीज़न था। तो मैंने अभी यहाँ पे होटल में रूम मिलने के बाद सोने की कोशिश की, लेकिन मेरी नींद नहीं लगी, 1 घंटे की लगी। उसकी वजह से थोड़ा सा हेडेक है, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ तो थोड़ा सा रिलैक्स लगेगा। तो मैं जिस चीज़ के लिए आया था वो जगह ये है, ये स्कूल के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अब अंदर चलते हैं और अब यहाँ पे एक वाट लोक मोली करके एक टेंपल है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ बाय रोड। मैंने मैप सेट कर दिया है, अब मैं चल रहा हूँ। चांगमाई हिल स्टेशन भी है, आप थक जाओगे मंदिर देखते देखते, इतने सारे मंदिर है और सारे मंदिर बुद्धा के हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन ये सारे मंदिर है जो बुद्धा के हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या है अंदर। और ये देखो मुझे क्या दिखा है यहाँ पे, गणेश जी का बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। क्या लोकेशन पे आया हूँ, एकदम बढ़िया, बहुत ही अच्छी वाइब है यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं प्लेस्ड हो गया यहाँ पे आके, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये देखो क्या बात है, आज के लिए बहुत हो गया, इतना काफ़ी है। मैंने बहुत कुछ देख लिया और मैं अब टायर्ड हो चुका हूँ। अभी यहाँ से जाते हुए मैं कुछ देखूँगा भी, तो मैं वो रिकॉर्ड करके आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट्स में जरूर बताना ये व्लॉग आपको कैसे लगा।